एक बेहतरीन सी और फुल प्रोफेशनल कोरोना वायरस पे पोस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइल पे आप आते हैं, न्यू पे आप क्लिक करते हैं और यहां से विद लेते हैं 1000 और हाइट भी ले लेते हैं हम 1000। रेजोल्यूशन 72 होगी और 8GB कलर होगा और वाइट हमारा बैकग्राउंड होगा। आप सिंपल करेंगे क्रिएट पे क्लिक, उसके बाद मैं यहां से फोरग्राउंड कलर पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहां से मैं लूंगा एक अदर डार्क कलर और बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहां से भी लूंगा हल्का सा लाइट कलर और यहां पे आके मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां से लूंगा ग्रेडियंट टूल और ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा जो कहलाता है हमारा रेडियल, एक लेयर लूंगा और शिफ्ट के साथ सेंटर पे आके इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि लाइट जो है वो ऊपर है और डार्क जो है अंदर की साइड पे, तो एक काम करते हैं, ये जो आप दो एरो देख रहे होंगे इस पर क्लिक करेंगे तो कलर अप एंड डाउन हो जाएंगे, शिफ्ट दबा के दोबारा करेंगे तो वाकई वो जो मैं चाह रहा था वो उस तरह ही आ गया इस तरीके से, बेहतरीन। थोड़ा सा और करके देखते हैं। ओके जनाब, ये बेहतरीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइल पे आएंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां से मैं लूंगा ये 7 और 4 PNG, आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी और यहां आके मैं इसको करूंगा पेस्ट और कंट्रोल टी के साथ इसको कर दूंगा छोटा, ठीक है। इसको यहां रखेंगे, ठीक है, और इसको रखेंगे हम यहां पे, ठीक है जनाब। इसके बाद जनाब हम इस वाले लेयर इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे दोबारा और कंट्रोल टी से इसको भी छोटा करके यहाँ रखेंगे हम इस तरीके से। अच्छा, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, कंट्रोल यू करें, ह्यू सैचुरेशन और इसका कलर चेंज करें। मैं इसको कर देता हूँ ये वाला कलर ब्लूश और लेयर टू पे भी आगे कंट्रोल यू करूँगा और इसको भी मैं ये और इसका थोड़ा सा कलर बढ़ा दूंगा शार्पनेस ये कलर ओके कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, अब हम दोबारा फाइल पर आते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ से एक 8 नंबर उठा लेंगे क्योंकि रेड सेल्स हैं, इसको कंट्रोल ए करेंगे कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे इसको ल्यूमिनोसिटी और उसके बाद इसकी ओपेसिटी कर देंगे थोड़ी कम कुछ इस तरह, ठीक है जी। और अब कहानी स्टार्ट होती है इस तरीके से कि फाइल पर आप आएंगे ओपन और यहां से लेंगे हम वायरसेस। ओके जी, वायरसेस हमने एक वायरस ही उठा लिया, इसको करा ओपन और हम बाकी चीजों को कर देंगे बंद, इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें और कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से बंद होगा और यहाँ रखेंगे हम कंट्रोल वी से पेस्ट। अच्छा जी, ये आ गया आपका वायरस, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। जो नया वर्जन है इसके अंदर ये ऑप्शन है और पुराने वर्जन इसके अंदर नहीं होगा तो कोई मसले की बात नहीं है। कंट्रोल टी से इसको छोटा कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, यहाँ तक रखें इसको यहाँ तक और इसको रखें यहाँ पे, इसको यहाँ रखें और इसका कलर चेंज कर देते हैं, कंट्रोल यू से इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको कलराइज करें, इसकी सैचुरेशन बढ़ाएं और इसका कलर चेंज कर देते हैं ये वाला, ओके करें। अच्छा, कलराइज हुआ क्या कि सारे कलर गायब हो गए इसके, सिंपल एक कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेशन से सैचुरेशन मतलब इसकी रोशनी तेज हो जाएगी और उसके बाद आप करेंगे ओके, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम हमने करना है कि इस पर डबल क्लिक करनी है और डबल क्लिक करने से लेयर स्टाइल का एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से लीजिएगा ग्रेडियंट। अच्छा, कलर यहाँ से आप ले लेंगे ये दो, ठीक है, इस पर क्लिक करें, ये कलर का कोड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से भी कलर का कोड आ रहा है कुछ इस तरीके से, नोट कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा और सिंपल यहाँ से आप लेंगे सॉफ्ट लाइट और ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करते हैं ये वाली, ओके जी, बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल पर आते हैं ओपन और यहाँ से मैं एक अदद उठाता हूँ, ये दोनों उठा लेता हूँ, ओपन करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको उठाता हूँ, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे,
इसको कंट्रोल यू करता हूँ और इसका कलर भी मैं कर देता हूँ ब्लूइश। ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और कंट्रोल टी करके इसको करता हूँ छोटा। ठीक है जी। अच्छा, हम कॉपी करते हैं कि एक मिनट, एक चीज़ देखता हूँ, आपको बताता हूँ। कॉपी लेयर स्टाइल और राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल। नहीं, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसको ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे और इसको भी यहाँ रख देंगे। ठीक है, कंट्रोल टी से इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल यू, और इसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे ब्लू में इस तरीके से, और इसको ओके करते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है जी, इसको बंद करें यहाँ से, इसको भी बंद करें यहाँ से। फिर फिल्टर में आते हैं, ओपन, और हमारा एक अदद वायरस ये है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, इसको बंद करा और इसको रख करा यहाँ पे पेस्ट। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको करा छोटा, इसको रखा है यहाँ पे। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए गायब कीजिएगा। कंट्रोल यू करेंगे और इसका कलर कर देंगे हम ब्लू, ब्लू 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 जे वाला। ओके करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी खोल देते हैं। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, एडजस्टमेंट हो गए, इसको रखा है यहाँ पे। और एक काम करा कि हमने इसकी कॉपी बनाई कंट्रोल जे से, इसको करा आपने छोटा कंट्रोल टी से। ठीक है, इसको रखा है यहाँ पे, और इस पे आने के बाद फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर दे देंगे आप 5। ओके, बेहतरीन हो गया ये। अच्छा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो आप कंट्रोल एस करेंगे और इसको कोई भी नाम दे दिया, फिलहाल मैंने 1 देके इसको सेव कर लिया, और इसको डोंट शो पे चेक करके ओके कर दिया। ठीक है जी, अब काम हमारा स्टार्ट होता है। एक और, हम फाइल पे आएंगे, ओपन, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होगी 11 नंबर, इसको ओपन कीजिएगा। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ करेंगे आप पेस्ट सबसे टॉप पे। इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कीजिएगा और इसको आप कर देंगे स्क्रीन। ठीक है जी। अच्छा, अब दिख रहे हैं आप इसकी ये किनारे बने हुए आ रहे हैं, तो कंट्रोल एल लेवल, और लेवल करने के बाद जब आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेवल का एक ऑप्शन खुलेगा। सिस्टम मेरा थोड़ा सा शायद हैंग कर रहा है। ओके, कंट्रोल एल लेवल। ओके जी, आगे खुल गया। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करा और आपने कर दिया इसको ओके। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। अब आप फाइल पे अगेन आएंगे, आप करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहां से लेंगे आप ये, इसको आप करेंगे ओपन, इसको उठा के ये बिग वायरस सेल, और इसको यहाँ पर रखेंगे आप। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको छोटा कीजिएगा थोड़ा सा, इसको रखेंगे आप यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लें, सही काफी है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखिएगा, इसको उठा के थोड़ा सा आपने यहाँ रखा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डुप्लीकेट कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कीजिएगा यहाँ पे, इसको यहाँ रखें और इसकी ओपासिटी आप फिल कम कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको दोबारा आप डुप्लीकेट कीजिए, यहाँ रखें। अच्छा जी, अब करना क्या है, सिंपल। आने के बाद आप इस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। अब आप करेंगे यहाँ से कंट्रोल बी बैलेंस, और कंट्रोल बी करने के बाद आप इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर यहाँ लेके जाएं लेफ्ट साइड पे, और थोड़ा सा इसको कम करें। ये सही है। हाईलाइट पे आएं और हाईलाइट थोड़ी सी बढ़ाएं, थोड़ी सी बढ़ाएं इधर, सही है। अच्छा, मजेंटा, मजेंटा कम करते हैं। ठीक है, और सियान को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। शेडो पे आके इसको लेफ्ट साइड पे नहीं करते, राइट साइड, नहीं, इसको ऐसे ले रहने दें, इसको थोड़ा सा राइट साइड पे, और उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे,
ठीक है जी, ओके करें, फिर आप करेंगे कंट्रोल एम करेंगे, बस उसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा और आप कर देंगे ओके। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये जो है ना, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा और बड़ा कीजिएगा, उसको थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ठीक है, फिर फाइल पर आप आएंगे ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ से आप उठाएंगे 12 PNG, इसको ओपन कीजिएगा, ये आपके सामने खुल जाएगा क्लाउड टाइप की चीज़। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और इसको आप करेंगे यहाँ पे आके ना पेस्ट, और इसको कंट्रोल टी से कर दीजिएगा बड़ा, और इसको ले लेंगे आप ये वाला लुमेंसिटी, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, और इसको ओपेसिटी कम कर दीजिएगा थोड़ी सी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, अब फाइल पे आप आते हैं ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ से आप एक मॉडल उठा लेते हैं जो मैं ही हूँ, और कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी, इसको इसके नीचे करेंगे पेस्ट, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ रखिएगा ऐसे, थोड़ा सा बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा और कर लें, थोड़ा 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 सा छोटा, थोड़ा सा उसको ऊपर, इसको करेंगे मास्क, यहाँ से लेंगे ब्रश टूल और ओपेसिटी फुल, ब्लैक कलर सेलेक्ट होना चाहिए, इसको यहाँ से मिटा देंगे ऐसे। ठीक है जी, अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अब आप आएंगे फिल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ से आपने सिंपल ये करना है कि थोड़ा सा इसके कलर जो है डार्क करने और थोड़ा सा हल्के करने, जैसे कि आपने इस क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, शेडो कम करा थोड़ा सा आपने, वाइट थोड़ा कम करा, ब्लैक थोड़ा कम करा।
अच्छा जी, अब करना आपने क्या है कि थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आके एक लेयर खोलिएगा, कलर वाइट ले लीजिएगा, ब्रश सॉफ्ट लीजिएगा और एक क्लिक यहाँ कीजिएगा, एक क्लिक यहाँ कीजिएगा और यहाँ से आप ले लीजिएगा ओवरले। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा एक क्लिक थोड़ा यहाँ करके देखते हैं। ओह ज़बरदस्त, अच्छा लुक आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, सबसे ऊपर आते हैं और एक टेक्स्ट और लिखते हैं हम यहाँ पे, स्टॉप कोविड-19, और इसको उठा के रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बेहतरीन हो गया। और उसके बाद हम यहाँ से स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल सॉरी, इसको शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर ऊपर आते हैं, यहाँ से इसका फिल कलर तो बंद कर देते हैं। ठीक है, फिल कलर आपने क्लोज कर दिया और इसका स्ट्रोक कलर आपने ले लिया वाइट, और स्ट्रोक कलर का साइज़ वाइट कलर लेने के बाद इसका साइज़ ले लिया आपने 7, 7 बेस्ट है। और उसको थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है ऐसे सेंट्रलाइज बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करें, उसके बाद इसको मास्क दें और यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा, इतना एरिया। इतना एरिया हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा इसको लॉक कर दीजिएगा जरा सा, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आपने क्लिक करा, कंट्रोल भी पेस्ट करा, टेक्स्ट आपने लिखा स्टॉप कोरोना, इसको रखा आपने यहाँ पे, साइज का छोटा कर दिया आपने। हमने फॉन्ट साइज ले लिया इसका 24, 30 ले लिया आपने इसका 30। और इसके बाद आपने ऑल्टर दबा के इसको राइट एरो करेंगे, स्लाइड पूरा करना है, फिर ऑल्टर दबा के जब राइट एरो करेंगे तो इसमें गैप आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एरो लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फाइनल एक बार टच करेंगे हम इस लेयर को, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करेंगे इसके ऊपर लेके आएंगे और यहाँ ला के रखेंगे, कंट्रोल टी से इसको यहाँ की साइड रख के थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको स्क्रीन रखना है, कंट्रोल यू से आप करेंगे इसको कलराइज, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे और इसको कर देंगे ब्लूश कलर, ओके करेंगे और इसकी ओपासिटी कर देंगे कम। तो ये कुछ आपको इस टाइप का लुक देगा। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें भला से आप यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये पूरा, अच्छा थोड़ा सा इसको यहाँ करें और ऐसे। ठीक है जी, अच्छा अब एक फाइनल टच देंगे हम इसको, और वो फाइनल टच किया कि फाइल ओपन, यहाँ से लाइट उठा लीजिएगा, ओपन कीजिएगा और इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पे आप करेंगे पेस्ट, और इसको करेंगे आप स्क्रीन। ठीक है, अच्छा स्क्रीन करने से पहले काम कीजिएगा, सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट कीजिएगा काला ला, और उसको कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर लीजिएगा, बाकी से एरिया को डिलीट कीजिएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा स्क्रीन और इसको उठा के ले जाएंगे आप ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे कहाँ पे बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस्ट लग रहा है, यहाँ पे। कंट्रोल यू से इसका कलर चेंज करके देखें आप कौन सा कलर सूट करेगा इस पे। ये कलर सूट कर रहा है इस पे वैसे, और हमारे नीला कलर भी सूट कर रहा है, ये कलर ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोफेशनल, चाहे तो आप इसमें आप डॉक्टर्स भी रख सकते हैं, कोई भी इमेज रख सकते हैं, ये तो फिलहाल मैंने अपनी इमेज यहाँ पे रखी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी इमेज, कोई भी डॉक्टर की या किसी दूसरे मॉडल की पिक्चर यहाँ पे रख सकते हैं, तो एक प्रोफेशनल आपका कोरोना वायरस के ऊपर पोस्ट तैयार है। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है जी, बहुत जल्द मैं नई एक वीडियो के साथ हाजिर होने वाला हूँ, और जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि एक बहुत नया चैनल, मेरा एक नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, वो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छी तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करी हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली उसको चेक जरूर कीजिएगा। थैंक
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय नाउ।